हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वी के राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं स्लाइस लोन ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, स्लाइस लोन ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं और इस एप्लीकेशन से लोन कैसे लेते हैं, लोन मिलता है कि नहीं मिलता है और कितना इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए खास है। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर देते हैं और उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं। लगभग 50 MB का एप्लीकेशन है और 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद इससे लोन लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करके ओपन कर देना है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा MB का है। तो इंस्टॉल हो चुका है एंड ओपन पर क्लिक कर देते हैं। अब कंटिन्यू विथ गूगल का ऑप्शन आ जाता है तो इस पर क्लिक करके अपने किसी जीमेल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू हो जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको तीर का ऑप्शन आ जाता है, मतलब SMS, फ़ोन, ये सारी परमिशंस अलाउ करने को बोल रहा है। तो अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा और 3 बार अलाउ पर क्लिक करना है। अब आपके किसी एक सिम पर मैसेज गया होगा OTP और आपको उसको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, मतलब इसीलिए बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पे वेरीफाइंग, ये वेरीफाई हो रहा है और दोबारा से आपका नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा। अब पिछली बार जो मैंने बताया भी, वो OTP के लिए नंबर पूछ रहा था। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है। जो भी नाम आप भरिएगा आपके पैन कार्ड पे होना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर जाएगा ही नहीं, लोन नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे इन्विटेशन कोड मिला तो इन्विटेशन कोड डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन आप अपना नाम चेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सेट स्लाइस पिन, आपको कुछ इसी तरीके से 80, 90 या 50, 60 नंबर यहाँ पे सेट कर देना है OTP। ओके, और उसके बाद लास्ट में OTP जाएगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, अब यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ जाता है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको लोन चाहिए कितना, 1000, 2000, 10000, 5000, तो आप पहले तो लोन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बोरो का ऑप्शन है और पे का ऑप्शन है। तो आपको लोन लेना है तो बोरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लेकिन आपको अमाउंट पहले सेलेक्ट करना होगा जितना लोन चाहिए। ओके, उसके बाद उसी हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट स्कोर बताता है। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप 5 लाख रुपये तक का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट 14% लगेगा, लेकिन 5 साल के लिए रहेगा तभी। अब यदि आप 2-3 महीने के लिए लेते हो या 6 महीने के लिए लेते हो और 2-3 महीने के अंदर पैसे भर देते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। अब स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो लोन लेना मुश्किल ही रहेगा, लोन मिलना मुश्किल रहेगा। सैलरी पर सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। SMS, लोकेशन, ये सारी परमिशंस मांग रहा है तो इसको दे देते हैं। अब वेरीफाई योर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर भर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे अब यदि आप ऑलरेडी लोन लिए रहेंगे और क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो यहाँ पे दिखाया गया, या वैसे भी आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे दिखाता है तो देख सकते हो ये क्रेडिट स्कोर हमारा बता रहा है। डोंट वरी, मतलब क्रेडिट स्कोर अच्छा हमारा नहीं है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कोई बात नहीं, हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं, फिर भी आपको लोन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बताया जा रहा है कि आप कितना रुपया मतलब सैलरी पाते हो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं 15-20 हज़ार या 20-25 हज़ार ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी इस तरीके से आप स्क्रॉल करके 20-30 हज़ार एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ओपन कैमरा, अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फी वेरीफाई करना है, अपना सेल्फी देना है। ओके, कुछ इस तरीके से ओपन कैमरा पर क्लिक करके अपना सेल्फी ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ फ़ोटो खींच लेता हूँ और ये देख सकते हो मैं हाइड कर दिया हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और KYC आधार। ओके, तो आपको अपना KYC वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल भरनी है। अब KYC इस तरीके से आप यहाँ पे अपना आधार नंबर और सारी चीज़ें भर के KYC वेरीफाई कर सकते हो। और यदि पैन कार्ड से यहाँ पे स्कोर क्रेडिट स्कोर अच्छा आ गया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक डिटेल भरना होगा और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा जाता है तो, और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं जाता तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप 5 लाख रुपये तक का आसानी से लोन पा सकते हो और लोन मिल जाने के बाद यदि आप 3 महीने के अंदर पे कर दे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 प्रोसेस मैंने यहाँ पर हाइड कर दिए, ये मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे लोन की आवश्यकता होती है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको लोन लेके दिखाता,
बट आप समझदार हो, समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और वीके राज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।